हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज मैं नानी दादी के काफ़ी पुराने नुस्खे लेके आई हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग का। ये काफ़ी ज़्यादा असरदार है, इफ़ेक्टिव है। जब आप इसे ट्राई करेंगे रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस पैक को बनाते हैं और अपने वीडियो को शुरू कर दें। हमें लेना है नॉर्मल आटा, जिसका आप रोटी बनाते हैं। रोटियाँ बनाने के लिए हर घर में जो गेहूँ के आटे की यूज़ होती है, व्हीट फ्लोर, वही आपको लेना है। आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है किधर किधर आपको इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको गेहूं का आटा लेना है। और लेनी है दूसरी जो चीज़ है जो स्किन वाइटन में काम आती है और हमारे बालों को हल्का बनाती है, हल्दी लेनी है। और जो स्किन पॉलिशिंग का काम करती है वो है कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल लेना है। अब हमें करना क्या, एक बाउल, एक कटोरी लीजिए, उसमें आपको अपने मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें आपने आटा ऐड किया। आटा मैंने इसमें डाल दिया है। जी हाँ, गेहूँ का आटा लेना है आपको। तो आप हाथों पर गलों पर जिस तरह से आपको अप्लाई करना है उस हिसाब से आप क्वान्टिटी ले लें। उसके बाद जो सेकंड थिंग है हमारी, वो है आपको लेना है हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि हमें अपने चेहरे के स्किन के बॉडी के बाल को हल्का करना है और स्किन को भी लाइटन करना है। जो तीसरी चीज़ है जो हमारे स्किन पॉलिशिंग के काम आती है, कोकोनट ऑयल, यानी कि इसमें हमें कोकोनट ऑयल लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करना। ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। अगर आप अपनी नानी दादी से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी असरदार है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने खुद दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे इन तीजों को कर लिया है मिक्स अच्छे से। अब इसमें हमें इसे कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा वाटर और अच्छे से इसे पेस्ट बनाना है। तो आप धीरे धीरे वाटर मिला, ज़्यादा नहीं, वाटरी सॉल्यूशन नहीं बनाना है हमें। तो हल्का हल्का आप उसमें पानी डालें अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, इस तरह का पेस्ट बनाना है। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो इस तरह का पेस्ट बनाए और अपने पूरे चेहरे पे, हाथों पे, गले पे जहाँ भी आप इसे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम कहूँ इतना असरदार होम रेमेडी है जिससे आके आप अपने स्किन को वाइटन कर सकते हैं। इसे आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पे। मैं इसे रेगुलर बॉडी पे अप्लाई करती हूँ। आपको ज़्यादा नहीं, बस हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है, रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसे अब अप्लाई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरे हाथों पर इसे अप्लाई करके मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, आपको खुद असर दिखेगा और आप खुद आपको पता चलेगा कि कितनी इसमें सच्चाई है और क्या है। ये काफ़ी पुराना है, बिल्कुल नानी दादी वाला नुस्खा होता है ना, वो है। तो यहाँ पे मैं पूरे हाथों पे इसे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। इसे 5 से 10 मिनट रखना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरे हाथों की हेल्प से आपको इसे रब करना है। जिधर भी आप चाहें वहाँ आप रब कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे और रब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब मैं रब करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल आपके सामने लाइव रिजल्ट होने वाला है और आप देख के खुद चौंकने वाले हैं। होप आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगने वाला है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगने वाला है। तो आप मेरे इस वीडियो को फटाफट से कर दें लाइक। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे हाथों में, आप देखें क्योंकि इसमें ऑयल है तो काफ़ी आसानी से ये सारा पेस्ट निकल जाएगा। आप रगड़ेंगे तो अपने हाथों के हेल्प से, और देखिए अभी आप वाइटन देख रहे हैं मेरे स्किन, देखिए वाइटन होने। इसी तरह सारा आप रगड़ेंगे तो आपके हाथों पे सारा चिपक जाएगा और आपकी स्किन दिखेगी तो दिखेगी बस वाइटन। आप भी बोलेंगे ओ माय गॉड, तो है ना काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो। तो होप आपने अभी तक मेरे वीडियो को कर दिया होगा लाइक और मेरे चैनल को कर दिया होगा सब्सक्राइब। इसी तरह की खूब सारे वीडियोस मैं आप लोग के लिए हमेशा लेके आती रहती हूँ। अब मैंने कर लिया है वॉश और आप देख सकते हैं वॉश होने के बाद रिजल्ट आपके आँखों के सामने है। देखिए कितनी ज़्यादा स्किन बिल्कुल गोरी, निखरी, चमकती दमकती, जो आपको चाहिए। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा। काफ़ी पुराना रेमेडी है तो पता है कि पुरानी चीज़ें, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो पुरानी चीज़ें तो वैसे भी काफ़ी अच्छी होती थी। आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है और आप इसका असर खुद देखेंगे। आपको नहाने के ठीक पहले, आधे घंटे पहले इसे अप्लाई करना है, उसके बाद आप नहा लें। लेकिन हाँ, साबुन यूज़ बिल्कुल ना करें, साबुन यूज़ करने के बाद इसका कोई रिज़ल्ट नहीं। होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।